नंबर 54 एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है और उसने एक छाता पकड़ा हुआ है, एक अम्ब्रेला पकड़ी हुई है। अम्ब्रेला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 2×10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वेयर है, जो मैन और प्लेटफॉर्म है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 3×10⁻³ है। इनिशियली तीनों के जो ऑक्सीजन सेम ऑक्सीजन, इनिशियली सिस्टम जो है रेस्ट पे है। मैं आदमी क्या करता है, छाता घुमाना शुरू कर देता है, स्पिन करना शुरू कर देता है, तो जो प्लेटफॉर्म है उसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से अपने रिस्पेक्ट में घुमाना शुरू कर देता है। तो प्लेटफॉर्म की हमें एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है वो इस डायरेक्शन में रोटेट हो गया है, तो ये सपोज थीटा प्लेटफॉर्म जो थीटा पी रोटेट हो गया, तो जो छाता है उसको हम रोटेट कर रहे हैं, उसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, छाता जो ऐसे रोटेट कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म जो है नीचे प्लेटफॉर्म भी रोटेट कर रहा है, प्लेटफॉर्म के साथ भी ये रोटेट हुआ और आदमी ने कुछ रोटेट किया, ठीक है। तो जो छाता था उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट था थीटा आर इसके रिस्पेक्ट में, और वो भी सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो जो छाता है उसका नेट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अम्ब्रेला का, वो होगा थीटा ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस थीटा ऑफ रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैन, इतना एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है। यदि इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेट अम्ब्रेला आ जाएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म होगी प्लस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू मैन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म या मैन, ये होगी, दोनों क्या होंगी ऐड हो जाएंगी बेसिकली, ठीक है। अब हम जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कोई नहीं लगा रहे, जो एक्सटर्नल फोर्स है जो आदमी इसमें जो सिस्टम है अम्ब्रेला है मैन है ये इसके ऊपर अम्ब्रेला के ऊपर फोर्स लगा के रोटेट कर रहा, तो वहाँ पे नेट इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स का सम जीरो होता है, उनका टॉर्क क्या होगा जीरो होगा, एक्सटर्नल कोई टॉर्क नहीं है, सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो क्या जीरो के बराबर है, तो मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम जो था इनिशियली तो रेस्ट पे था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो है, बाद में प्लेटफॉर्म का और मैन का आई ऑफ मैन प्लस प्लेटफॉर्म इंटू उनकी एंगुलर वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी प्लस अम्ब्रेला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इनका जो सम होगा वो क्या होगा जीरो के बराबर होगा, इसकी वैल्यू जो है 3×10⁻³ है, ये हमें निकालना ही है, प्लस जो अम्ब्रेला है उसकी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 2×10⁻³ है, और इसकी जो स्पीड है वो किसके बराबर डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू पी अम्ब्रेला यू विद रिस्पेक्ट टू पी, एंगुलर स्पीड ऑफ अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू मैन या प्लेटफॉर्म इसके बराबर होगी, इसको इधर ले आते हैं, ये जीरो है तो 2×10⁻³ इंटू एंगुलर स्पीड ऑफ अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, इधर क्या बच जाएगा 3×10⁻³ प्लस 2×10⁻³ एंगुलर स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म या मैन इसके बराबर होगा, तो एंगुलर स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म निकालनी है तो किसके बराबर हो जाएगी 2×10⁻³, ये किसके बराबर हो जाएगा 5×10⁻³, यहाँ पे एंगुलर स्पीड उसकी जो है 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड दी हुई थी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 4/5 रेवोल्यूशन पर सेकंड या 0.8 रेवोल्यूशन
परसेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।